चैनल फ्रेंड्स आज हम आपको कुरेशिया का एक बहुत प्यारा सा डिजाइन बताने वाले हैं तो देखिए देखिए मैंने मैंने इसमें चैन बुन ली है मैंने आपको डिजाइन बताने के लिए इसमें 21 चैन बुनी है आप देखिए जो इसकी फर्स्ट रो बुनेंगे तो फर्स्ट रो कैसे बुनेंगे फ्रेंड्स देखिए आपने क्या करना है एक दो तीन तीन चैन स्किप करके चौथी वाली चैन में आपने डबल कुरेशिया से बुनना है देखिए इस तरह से ये एक फिर आपने एक चैन बुननी है फिर दोबारा से इसी चैन में आपने डबल क्रोशिया से ही बुनना है फिर आपने क्या करना है देखिए एक तो, दो चैन स्किप करके थर्ड वाली चैन में आपने फिर से डबल क्रोशिया से बुनना है और फिर आपने एक चैन का गैप रखना है फिर दोबारा से इसी चैन में आपने डबल क्रोशिया से बुनना है एक दो स्किप करके थर्ड वाली चैन में आपने डबल क्रोशिया से बुनना है फिर एक चैन का गैप रखना है फिर से दोबारा से डबल क्रोशिया से ही बुनना है फिर देखिए एक दो चैन स्किप करके थर्ड वाली चैन में आपने डबल क्रोशिया से बुनना है फिर आपने एक चैन बुननी है और इस तरह से डबल क्रोशिया से बुनना है तो फ्रेंड्स इस तरह से हम इस फर्स्ट रो को कंप्लीट करेंगे इस तरह से हमने फर्स्ट रो कंप्लीट कर लिए और लास्ट में आपने देखिए किस तरह से बुनना है एक बल लेना है और यहाँ आपने इस तरह से आपने इसको पूरा करने देखिए इस तरह से ये एक है तो यहाँ भी ये किस तरह से आ गया है और ये बीच में अब आपने क्या करना देखिए एक दो सेकंड रो बुनेंगे तो दो चैन बुन के पलट लेंगे और ये जो जाली है यहां आपने इस तरह से सिंगल को रशे से बुनना है फिर आपने क्या करना देखिए फिर एक चैन बुननी है फिर आपने देखिए इनको स्किप करके यहाँ यहाँ आपने सिंगल क्रेशों से बुनना है फिर एक चैन बुननी है फिर सिंगल क्रेशों से बुनेंगे फिर एक चैन बुनेंगे फिर देखिए यहाँ यहाँ से फिर से हमने सिंगल क्रेशों से बुनना है एक चैन बुननी है फिर हम सिंगल क्रेशों से बुनेंगे फिर एक चैन बुनेंगे फिर सिंगल क्रेशों से बुनेंगे एक चैन बुनेंगे फिर इसी में हमने सिंगल क्रोशेस से बुनना है तो देखिए सेकंड रो में हमने देखिए यहाँ सिंगल क्रोश से एक बार बुना फिर एक चैन का ये हमने गैप डाला फिर हमने एक चैन फिर हमने सिंगल क्रोशेस से बुना फिर यहाँ भी हमने एक चैन का गैप डाला फिर सिंगल क्रोशेस से बुना फिर यहाँ एक चैन का गैप डाला फिर सिंगल से बुना इस तरह से हम अपनी सेकंड रो भी कम्पलीट करेंगे फ्रेंड इस तरह से हमने सेकंड रो भी कंप्लीट कर लिए बिल्कुल लास्ट पर आ गए तो देखिए लास्ट में कैसे बुनेंगे आपने एक चैन बुननी है और यहाँ देखिए यहाँ आपने इस तरह से सिंगल क्रोशिया से बुनना है अब आपने फ्रेंड्स यहाँ से आपने दूसरा कलर लगाना है यहां से देखिए मैं व्हाइट कलर ज्वाइंट कर लेती हूं आप अपनी पसंद का कोई सा भी कलर ले सकते हैं फ्रेंड्स इस तरह से एक और दो दो चैन बुन लीजिए और इसे पलट लीजिए अब आपने क्या करना है पलटने के बाद एक बन लेना है और ये देखिए ये जो है आपने बुना था डबल क्रोशे से इसके बीच में यहाँ से आपने इसमें दो बार बुनना है एक फिर आपने एक चैन बुननी है फिर आपने इसी के अंदर डबल क्रोशे से बुनना है फिर एक फिर आपने क्या करना है एक बन लेना है और देखिए अब यहाँ इसके अंदर आपने डबल क्रोशे से बुनना है इस तरह फिर एक चैन बुनेंगे फिर से डबल क्रेशों से इसमें बुनेंगे इस तरह फिर आपने देखिए इसके अंदर बुनेंगे फिर एक चैन बुन लीजिए बीच में एक चैन का गैप और फिर आपने डबल क्रेशों से बुनना है फिर देखिए इसके अंदर यहाँ डबल क्रेशों से बुनेंगे फिर एक चैन का गैप रखेंगे फिर आपने डबल क्रेशों से ही बुनना है फिर देखिए यहाँ एक चैन डबल से क्रेशे फिर देखिए यहाँ लास्ट में भी इस तरह बुनेंगे तरह से हमारी थर्ड रो भी कंप्लीट होने वाली है अब लास्ट पर आ गए हैं तो लास्ट पर देखिए क्या करना है आपने यहाँ से आपने फिर से डबल से इस तरह बुनना है फिर क्या करेंगे देखिए अब हमारी थर्ड रो भी कम्प्लीट होगी फोर रो बुनेंगे तो यहीं से बुनेंगे एक और दो दो चैन बुनेंगे फिर आपने क्या करना है देखिये फ्रेंड्स इस चाली में यहां से आपने सिंगल क्रशों से बुनना दिख है फिर आपने देखिए दिख एक चैन बुनेंगे फिर आपने देखिए इस चाली में यहाँ सिंगल क्रेशों से बुनेंगे फिर एक चैन बुनेंगे फिर यहाँ सिंगल क्रशों से बुनेंगे फिर एक चैन बुनेंगे और यहाँ सिंगल क्रेशों से बुनेंगे फिर एक चैन बुनेंगे फिर इसी में दोबारा सिंगल क्रोशिया से बुनेंगे फिर एक चैन और यहाँ सिंगल क्रोशिया से फिर एक चैन और यहाँ सिंगल क्रोशिया से एक चैन यहाँ सिंगल क्रोशिया से एक चैन और यहाँ सिंगल क्रोशिया से, से फिर एक चैन और यहाँ सिंगल क्रोशिया से एक फिर एक बीच में एक चैन का गैप और इस तरह से फिर एक चैन और यहाँ सिंगल क्रोशिया से इस तरह से फ्रेंड्स देखिए हमारी फोर रो भी कंप्लीट हो गई है फ्रेंड इस तरह से हमारा डिजाइन देखिए कंप्लीट हो गया है फ्रेंड्स आपने देखिए फर्स्ट सेकंड फर्स्ट सेकंड सिर्फ टू ही रो रिपीट करनी है और आपका इतना प्यारा सा डिजाइन तैयार हो जाएगा और अगर फ्रेंड्स आपको ये हमारा कुरेश वर्क अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए थैंक्स फॉर वॉचिंग